हर कस्बा, हर ढाणी, हर गांव आपकी समस्या को सुनने मैं आ रही हूँ NBSE न्यूज के साथ। अगर आपकी भी कोई समस्या है, आपके गांव की समस्या हो या आपकी समस्या हो, समस्या आपके सरपंच की हो या आपके प्रधान की हो, या कहनी हो कोई बात जो सीधी पहुंचे सरकार तक, वो बात पहुंचाने के लिए मैं आ रही हूँ आपके पास। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सीधा मुझसे कॉन्टेक्ट करें या फिर आप मुझे मेल करें। मैं सुनूंगी आपकी समस्या NBSE न्यूज के साथ। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम आ चुके हैं मोरिजा गांव में और मैं गांव के बीचों बीच हूँ। बहुत सारे ग्रामीण आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे, इनसे जानेंगे इनके गांव के हालात के बारे में, कैसे क्या यहां विकास हुआ है और पिछली सरकार में क्या काम हुआ और इस सरकार में इनको क्या उम्मीदें। बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? नन्नाला। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पहले आपके गांव में कितना विकास हुआ, अब कितना हुआ, क्या लगता है? बराबर चल रहा है। बराबर चल रहा है। आपको कौन सी सरकार पसंद है? हमारे को कांग्रेस। कांग्रेस पसंद है? क्यों, कांग्रेस के कौन से काम पसंद है? काम बहुत किया कांग्रेस ने, अशोक गहलोत ने खूब काम किया। मोदी जी पसंद नहीं है? नहीं बिल्कुल। क्यों? काम ही नहीं हुआ हमारे मोदी। जनता तो कहती है मोदी जी काम करते हैं, तो वो जनता को मालूम होगा, मेरे को तो मालूम है नहीं। आप क्या कहोगे, आपको क्या लगता है, आप इसी गांव के हो? हां जी। आपको क्या लगता है विकास के नाम पे इस गांव में क्या हुआ है? अच्छा हुआ है, बराबर हो रहा है। बराबर हो रहा है आपके गांव में? मैंने कुछ और लोगों से भी बात की थी, कह रहे पानी नहीं है हमारे। पानी की समस्या है, बिजली पानी की समस्या है। बिजली की समस्या है, वो तो सरपंच वगैरह होंगे ना यहाँ पर? सरपंच कुछ नहीं करते। क्या नाम है सरपंच का? मंगलचंद सैनी। तो आप कभी गए उनके पास अपनी समस्या? बिजली के बारे में तो कभी हमारे साथ खड़े हुए नहीं। और पानी से कोई मतलब है नहीं? पानी से कोई मतलब है नहीं। अगर बिजली पूरी आई तो वैसे भी पानी का टंकी में कोटा पूरा हो जाए, लेकिन बिजली नहीं आती पूरी, इसलिए टंकी नहीं भर पाती पानी। तो ये समस्या कितने दिन से आपके गांव में? ये तो 4-5 साल से चल रही है। तानिए क्या लगता है आपको, ये कह रहे हैं कि बिजली की समस्या बहुत दिन से और सरपंच सुनता नहीं, क्या कहना है? बिजली की भी है, पानी की भी यही समस्या। तो गांव में जैसे पानी टंकी खाली पड़ी है गांव के अंदर, पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे, लाइन स्टैंड है यहाँ पे, पानी पीने के लिए बहुत आदमी रुकते हैं। दिन से है ये समस्या। और आपने कभी जाके सरपंच को या वार्ड पंच को या प्रधान को कभी शिकायत की इस बारे में? नहीं, अपन तो जैसे वार्ड में रहते हैं, गांव की समस्या है ज्यादा, और गांव वालों को ज्यादा पानी नहीं पहुंचता है। और सरपंच, हाँ क्या कह रहे हो? सरपंच साहब से बोले थे पानी की हमारे बहुत ज्यादा किल्लत है। सरपंच कहता वो मुझे मोटर खराब हो गई, हो गई। अब मोटर खराब हो गई तो मोटर को सुधरवा दो। मैं तो वो सुधरवाई नहीं अभी तक, इतने 6-7 दिन रोज हो गए पानी को परेशान होते हुए। एक 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 दो दो बाल्टी आती है पानी। आप लोग ये कहते हैं ना कि हमने वोट दिया है, हमने सरपंच बनाया, जो सरपंच हमारा ही काम नहीं करेगा तो किसका करेगा? नहीं तो अब ये बोलते हैं कि ऐसे बोलो तो वहाँ कौन मार से डरते करे, इतने जाके बोल देते हैं सर, बस छुट्टी, बस सुनते नहीं है सरपंच। और भी तो लोग होंगे, प्रधान हो गया, वार्ड पंच हो गया। वार्ड पंच तो खुद ने मीटिंग में जावा, कोई टाइम कौन मिले के ऐसो ऐसो के काम जो वार्ड पंच ने? वार्ड पंच ने पता ही कौन बात है, वार्ड पंच क्या बताओ। तो वार्ड पंच ऐसे बनते हैं जो घर का आदमी, घर गृहस्थी वाले, जो पंचायत जाते नहीं है। बनते हैं तो बनाया तो इसीलिए जाता है ना कि भाई वो 10 लोगों की समस्या सुने। क्यों बनाया जाता है वार्ड पंच? इसीलिए समस्या सुने और वो आगे जाकर समस्या बताए। वार्ड पंच मोहल्ले में नहीं जाता देखने के लिए क्या हो रहा है, क्या क्या समस्या है, क्या नहीं है। पंचायत मीटिंग हो जाना, सिग्नेचर करना और आ जाना। अच्छा एक सवाल पूछती हूँ, आप लोग सरपंच के पास जाते हो कभी कागज साइन करवाने या किसी और काम से, सरकारी काम से कभी ऐसा कोऑपरेट करते हैं वो कागज साइन वाइन सब करते हैं? ऐसा काम तो आप चलते करवा लेंगे, कहीं जा रहे हो जब भी गाड़ी में भी होंगे, कहीं भी हो फोन करके सिग्नेचर करवा ले जाओ, आप कोई मना नहीं है ऐसे काम के लिए, बस बिजली और पानी के लिए नहीं। बिल्कुल वही तो दो बड़ी समस्याएं हैं जिनके लिए सुनना चाहिए। साफ सफाई बस यही है गांव में। सरपंच साहब साफ सफाई के लिए एक ट्रॉली लगा रखी है, लेकिन पानी वाली चिकित्सा की बात कर लूं, चिकित्सा व्यवस्था कैसी है गांव में? अच्छा तो यहां तो क्या है कि वो पशु चिकित्सा पहले से है। पशु चिकित्सा में आदमी थोड़ी दिखाने जाएंगे, हम कोई भैंस डांगर थोड़ी है यहां, वो नहीं है, आम आदमी हम तो है। पशु चिकित्सा में डॉक्टर है, एक आयुर्वेद चिकित्सालय है अंदर, उसमें है जो कोई जाता आता नहीं है। तो फिर अगर आप लोगों को कहीं जाना हो तो कहाँ जाते हो? जो हम नजदीक पड़ जाता है ना, तो वहाँ प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी अच्छा है, मतलब अस्पताल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव में सुविधा नहीं है, लेकिन गांव के अंदर नजदीक है तो 4 किलोमीटर यहाँ सोम, कोई ज्यादा दूरी तो है नहीं, ज्यादा दूर है नहीं है। यहाँ पे मतलब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में वैद्य बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है।
और आपके गांव में बस वगैरह आने जाने के लिए यातायात सुविधा ठीक है? वो काफी सुविधा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कौन सी सरकार पसंद करते हो पीछे से? कौन सी सरकार पसंद? सरकार कांग्रेस सरकार। आपको क्या लगता है, जनता कहती है कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया काम करती है कांग्रेस। आप तो बीजेपी की सरकार है, क्या लग रहा है बीजेपी की सरकार काम करेगी? बहुत कम करेगी, जैसे मोदी कहते हैं 15 लाख आएगा और आएगा और ऐसे जुमले वाले सारा। तू 15 लाख का 15 लाख तो ये हाँ सेंटर के अंदर तो मोदी बढ़िया रहेगा। और यहाँ जो आते हैं तो वर्तमान में जैसे मतलब कैंडिडेट होते हैं ना एमएलए वगैरह, तो उनके हिसाब से लोग उनको मतलब सपोर्ट करते हैं। जो वर्कर अच्छा होता है उसी को करते हैं, जो वर्कर नहीं होता उसको चेंज करते हैं। आप मोदी जी को सपोर्ट करते हो? सेंटर के लिए तो मोदी अच्छा है। और यहाँ के लिए, राजस्थान के लिए? राजस्थान के लिए तो वर्तमान जैसे पब्लिक ने गवर्नमेंट चुन ली है, पहले कांग्रेस थी वो मतलब बीजेपी आ गई, तो ये तो बदलती रहती है सरकार। एक सवाल पूछती हूँ, अशोक गहलोत जी कहते हैं जनता को बरगलाया और झूठ मूठ के वोट डलवाया, ऐसा लगता है आपको? नहीं, झूठ की सरकार है नहीं, ये तो लोग आरोप तो दोनों पार्टियां लगाती हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं जो एक दूसरे पे छींटाकशी नहीं करती है, वो तो छींटाकशी करेंगी। क्या लगता है 15 लाख कब तक लेने का प्लान है आपका? प्लान क्या करेगा, झूठ बात में झूठी बात क्यों बोलता है मोदी? आपको कौन सी झूठी बात कह दी? ये झूठी बात ही है, एक खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। तो ऐसा करना क्या? राहुल गांधी भी तो बात करते हैं आलू आलू से सोना बना देंगे। क्या नहीं, क्या कहा राहुल गांधी ने? क्या आलू से सोना बना देंगे? नहीं नहीं, आलू से सोना नहीं। राहुल गांधी ने कहा था किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, वो हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। आपको क्या लगता है किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ? इनकी बात से कितना सहमत? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। ये कह रहे कांग्रेस 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 पार्टी बढ़िया पार्टी है, सबसे बेस्ट पार्टी बता दी। मोदी जी ने कभी नहीं कहा 15 लाख खाते में आएंगे। मोदी जी ने ये कहा था काला धन इतना है, वो आ जाए तो हर नहीं कहा नहीं मोदी ने 15 लाख रुपए के लिए उन्होंने ऐसा बोला था काला धन विदेशों में इतना है, जो अपने भारत में आ जाए तो एक आदमी को 15 लाख रुपए आ सकते हैं। बीजेपी सरकार पैसे वालों के लिए गरीब की तरफ ध्यान नहीं देती है कभी भी, क्योंकि बारात में दूल्हा नहीं है। अच्छा। वैसे बारात नहीं, दुल्हन ढूंढ रहे हैं, दुल्हन दुल्हन दुल्हन। अभी कांग्रेस वालों की बारात में दूल्हा नहीं है, दूल्हा है राहुल गांधी। दुल्हन क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी को दुल्हन कब? उसके पास दुल्हन है न वो दूल्हा है क्या? न तो दुल्हन है न उसके पास दूल्हा है। दूल्हा तो है राहुल गांधी, कहाँ दूल्हा है? न्याय यात्रा अमेठी से छोड़ के वहाँ गया। अगर वो इतना ही मजबूत होता तो ये क्या परिवार की सरकार है? पहले मतलब माती मनमोहन सिंह की कठपुतली सरकार बनाई, एक बहुत अच्छा वो मतलब प्रधानमंत्री बना था, लेकिन उसके कोई भी स्टेटमेंट फाड़ कर दिए जाते थे। तो राहुल गांधी अगर इसके पास होते तो 54 सीटें क्यों आती? इंदिरा गांधी ने ऐसी मजबूत सरकार बनाई थी, मजबूत हो बात आज इसकी स्थिति ये आ गई, आज 54 सीटों पर सिमट गए। आने वाले समय में स्थिति क्या होगी ये तो पब्लिक बताएगी। खुद सोनिया गांधी कह रही है 400 सीटें हमारी लोकसभा। हाँ, 400 सीटों पर वो लड़ी नहीं रही है, कहाँ से आएंगे? उसके पास कैंडिडेट ही भाग जा रहे हैं। वो तो मोदी जी डरा रहे, इसलिए कैंडिडेट भाग। मोदी से कहेगा डरे, मोदी फोन से गोली चला रहा है, जो डरने की बात है। लोकसभा में तो हाथ का सिंबल ही खत्म है, हाथ है ही नहीं। कांग्रेस मुक्त सिंह राज सिंह करो भैया। सही, हमरा राम जी को खड़ा तो किया था, गठबंधन की सरकार थी तो कैंडिडेट तो था उनके पास। हाथ गायब हो तो उनका निशान तो गायब हो गया ना, कैंडिडेट था गठबंधन का। गठबंधन क्या लगता है, हमरा राम जी जीतेंगे? हमें उम्मीद नहीं है। नहीं है, आपको क्या लग रहा है बताओ? मैं लगती हूँ मेरे को नहीं, आप भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, आपको क्या कहना है? हमरा राम जीतेगा। आप हमरा राम जी को जिताएंगे? ये बताइए क्या काम किया हमरा राम जी है? काम क्या किया हमरा? कांग्रेस का है ना, वो कांग्रेस को चाहिए। कांग्रेस का क्या है, गठबंधन का है? गठबंधन का कांग्रेस का तो थोड़ी है। हमारे जीत गया ना, कोई क्या काम करेगा? जीतेगा तब काम करेगा ना वो। हमरा राम जीतेगा तब काम करेगा, बिगर जीते क्या काम करेगा? सुवेदानंद जी जीतेंगे। अब सुवेदानंद 10 साल के अंदर क्या कर दिया, क्या किया आपने यहाँ के लिए? कुछ भी नहीं किया। आपने क्या देख कर वोट दिया फिर सुवेदानंद जी? ये ऊपर की जैसे मोदी की ना, इसलिए मोदी जी को देखकर वोट दिया है। आप क्या कह रहे हो? हम तो मोदी का सपोर्ट है, यूपी को करेंगे। यही कह हो? हाँ। इसको दिया है वोट? मोदी को। मोदी जी को? हाँ। क्यों? आप सुवेदानंद जी को देखकर नहीं दिया? नहीं नहीं, मोदी को दिया हमने तो। मोदी जी की कोई तो रीति नीति कार्य उसको पसंद होगा मोदी जी को? हम मोदी जी के फैन है इसलिए बस। फैन तो बने होंगे ना, कोई काम तो देखा? तीनों वादे बोले थे, तीनों काम करते, राम मंदिर का 370 का और एक वादा हुआ था वो पूरा किया उन्होंने।
इसलिए प्रभावित है। अच्छा, एक सवाल पूछा जाए कि अगर पिछली सरकार को देखते हो, इस सरकार को देखते हो, क्या लगता है? हम तो मोदी जी के पहले इसलिए बस ये काम 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 मोदी हिंदुत्व के तौर पे वो है। इस सरकार में क्या लगता है, काम कैसा होगा? काम अच्छा होगा इस सरकार में भी, राजस्थान में भी अच्छा काम होगा, देख लेना। पिछली सरकार की बात कर ले तो खुद सोनिया गांधी का कहना है कि हमारी सरकार भ्रष्ट नहीं थी, पेपर लीक के मामले में भी बीजेपी आगे थी। हाँ। हमारे राज्य में ऐसा कुछ नहीं हो, क्या लगता है? वो आया उनके डोटासरा ने एक ही परिवार 16 लोगों को आरएस में पास किया डोटासरा ने, पेपर लीक के मामले में ऐसा कांग्रेस सरकार में ज्यादा हुआ है। अब क्या लग रहा है, अब कैसा काम होगा, अब देखे ना आगे क्या होगा? कोई तो उम्मीद होगी ना, मोदी जी को पसंद करते हो, बीजेपी की सरकार है, लग रहा है कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, तो युवाओं कुछ उम्मीदें हैं इस सरकार से, तभी तो इन्होंने चुना है। एक बार फिर से हमारा कारवा थोड़ा सा आगे बढ़ा है, हम मोरिजा में ही है और यहाँ पर भी बहुत सारे ग्रामीण हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर में इनका मत क्या कहता है, लोकसभा चुनाव को लेकर भी इनसे बात करेंगे, गाँव की समस्याओं को लेकर भी बात करेंगे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं गाँव के, उनसे रिलेटेड भी बात करते हैं। मेरे साथ क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अरमान साई उर्फ दानाराम माड़ी। दानाराम जी, क्या चीजें देखते हो गांव में कि पहले में और अब में क्या विकास देखा है आपने? गांव के ही रहने वाले हैं आप? मैं यहीं का स्थानीय आदमी हूँ। क्या विकास देखा है आपने पहले में और अब में? विकास किस चीज का? सड़कें बनी हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बढ़ी हो, लाइटें हो, पानी की व्यवस्था हो आपके गाँव में। देखो साहब, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ पर मैं ये जरूर देखा हूँ कि मतलब जातिगत लड़ाते हैं, मतलब नेता लोग विकास तो करना चाहते ही नहीं है लोग। अब थोड़ी है देश गुलाम, अब तो आजाद है। गुलाम नहीं है ये, तो नाम का गुलाम है, नाम का ही आजाद है, नहीं गुलाम है। किसका गुलाम है? आज नेतू का गुलाम है। आपसे ही पूछ लेती हूँ, यहाँ के विकास को आप कैसे देखते हैं? कुछ विकास हुआ है? विकास है, और आज लेबर तो नहीं है यहाँ, 600 रुपए के अंदर लेबर नहीं है, इतना विकास है यहाँ, लेबर है ही नहीं। चिकित्सा, पानी, लाइट सब सही है, और क्या सब क्या बिल्कुल क्या सही चल रहा है। इनकी बात से कितना सहमत है? डॉक्टर साहब, मेरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए, पर मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जैसे आप सिटी में रहते हो और मैं आपकी बात से खिलाफ नहीं हूँ, मेरी बात सुनिए आप, पर मैं आपने ये कहा भाई ये कम्युनिस्ट वाले हैं, हमारे ने तो कम्युनिस्ट की मतलब छाप लग रही है, न हमारे कांग्रेस की छाप है, हम मानव समाज के आदर मानव समाज की बात करेंगे। मेरी बात कम्युनिस्ट वाले वही तो है, कम्युनिस्ट वाले है और क्या। नहीं नहीं नहीं, गलत बात। मैं ये कहना चाहता हूँ आज खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? नहीं, भ्रष्टाचार पर सहमत होइए आप, कैसे नहीं है भ्रष्टाचार पर? जवाब दिए मेरे को आप। इतना तो रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा। आप क्या कहेंगे बाबा, इन दोनों की बातों से कितना सहमत है? एक भ्रष्टाचार, एक कह रहे कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है देश में, एक कह रहे भ्रष्टाचार नहीं है बिल्कुल, इन्हें क्या लगता है? नहीं, भ्रष्टाचार तो कम हो रहा है। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चल ही रहा है, इनसे बात कर लेते। कौन सा गांव है आपका? मेरा यही गांव है, हमारे गांव में तो 1% भी विकास नहीं हो रहा है। बाबा तो कह रहे बहुत विकास, कुछ विकास नहीं होता है। एक बार आते हैं रामलाल जी आ जाते हैं तो वो बोलते हैं मेरी सरकार नहीं है, भगवान साहिब आ जाते हैं वो बोलते हैं मेरी सरकार नहीं है, अब की बार शिका जी आई है तो बोले मेरी सरकार नहीं है। बस सरकार है किसकी फिर? नहीं, सरकार उनकी पता नहीं किनकी है, हमने जिनको चुना है तो उनका प्रतिनिधि ये तो बनता है कि हम विकास करवाएं। वो एक ही बात बोलते हैं कि ये इसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो कहना नहीं मानते, वो नहीं करते, ये कौन सा तरीका है उनका? लेकिन जिस जनता ने जिस जगह से कैंडिडेट आपको चुना है वहाँ के तो होना। हाँ, वहाँ के हैं हम तो, लेकिन वो क्यों बोलते हैं साहब भाई, उनके पास किसी भी बात के लिए जाते हैं, हमारा खुद का है। आज उनको 10 साल हो गया हमारे पंचायत समिति से सरकारी बोरिंग हुआ था, उसके विषय में मैंने कितनी बार उनको अवगत करा दिया, तो वो एक बार जाते हैं तो शिका मिल जी को भी करवा दिया, रामलाल जी को भी करवा दिया, पिछली बार भगवान साहब जी थे उनको भी करवा दिया, तो भगवान साहब जी को बोलते हैं तो वो बोलते हैं हमारी सरकार नहीं है, रामलाल जी को बोलते हैं हमारी सरकार नहीं है, तो सरकारें थोड़ी करती है ये काम, तो उनका यहाँ एमएलए का होता है ना, प्रतिनिधि सरपंच जन प्रतिनिधि, हाँ तो उनका होता है ना, सरपंच को बोलते हैं वो बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं है। कौन है सरपंच? है बाबूलाल जी, बाबूलाल जी, बाबूलाल जी सुल्तानपुरा, बात नहीं सुनते? नहीं, कोई नहीं सुनता बात, उनको तो 10 बार तो बता दिया तो बोले मेरे तो वो ही नहीं है कि हमारे संपर्क में नहीं है, कौन सा है? तो आपको सरपंच बनाया क्यों है? तो वही तो पूछे हमने, सरपंच क्यों बनाया कि मेरे तो संपर्क में नहीं, तुम्हारे गाँव ही सरपंच वो नहीं है तो फिर तुम सरपंच क्यों बने?